जब आओ जाओ पीठ पीछे बकवास करते रहते हैं। लगती क्या स्वेतलाना मेरी, क्यों मुझे सुनाते रहते हैं सब कुछ? तुम्हें सुनना पड़ेगा, इसकी तुम आदत बना लो। लेकिन ये आदत मैं सोनू की नहीं बनने दूंगा। सोनू तू हॉस्टल जाएगा बेटा। स्वेतलाना जी सिल्वर स्टेट में छुपी हुई है। पता चल रहा है कि एक्स्ट्रा पर्सन मल्होत्रा इंडस्ट्रीज की स्वेतलाना, हाँ वो सिल्वर स्टेट में छिपी है। जस्ट चेक इट आउट। आपकी जमानत ना मंजूर होने की सूरत में वो सारे इंतजाम रेडी हैं। इसकी क्या जरूरत है ऑफिसर? जो लोग कानून से भागे हुए होते हैं उनके पकड़े जाने पर उनकी गिरफ्तारी ऐसे ही होती है। देखिए तलाक के केस में वकीलों की कोई जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन जब 10 करोड़ का मामला होता है ना तब वकील ही केस हैंडल करे तो अच्छा होता है। कांग्रेचुलेशन मैडम, आपकी जमानत हो गई। मेरी जमानत? कल रात को त्यागी ने तुम्हारे घर जो कुछ भी किया मैं उसके लिए बहुत शर्मिंदा हूँ। ऋषभ, त्यागी ने ऐसा कुछ भी नहीं किया, बल्कि त्यागी के भोलेपन और बगैर मिलावट के बर्ताव पर तो शिवानी फिदा हो गई। What? आपने बताया नहीं वकील साहब कि आपको मेरा ये केस सौंपने वाला कौन है? ये मैं आपको अभी नहीं बता सकता। मैं उस शख्स का नाम जानना चाहूंगी प्लीज। देखिए मेरा क्लाइंट अपना नाम बताना नहीं चाहता है। लेकिन क्यों? वजह ना मैंने पूछी थी ना मुझे बताई गई है, और केस देने से पहले उनकी शर्त थी कि उनका नाम एक राज रखा जाए। आप खुद सोचिए वकील साहब, कोई आप पर एक इतना बड़ा एहसान करे और आप उनका नाम भी नहीं जानते हो। मैं तहे दिल से उनका शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। किसी का इतना बड़ा एहसान मेरी जिंदगी पर पहली बार हुआ है, बिलीव मी, मैं इसकी कीमत जानती हूँ। वकील साहब, स्वेतलाना को दूसरी जिंदगी मिली है, यूं समझ लीजिए कि उसे जीवन दान मिला है। जी हाँ, इसी जज्बे के साथ मुझे ये केस सौंपा गया है। खैर अब हमारी मुलाकातें तो होती रहेंगी, क्योंकि आपका केस मैं लड़ रहा हूँ, और वक्त आने पर आपको उनका नाम पता लग भी जाएगा। लेकिन वकील साहब, देखिए अगर मेरा क्लाइंट किसी वजह से अपना नाम बताना नहीं चाहता तो हमें उनकी इज्जत करनी चाहिए। ओके अब मैं चलता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया वकील साहब, और आप प्लीज अपने उस क्लाइंट को हमारी तरफ से शुक्रिया कहिएगा। ओके कह दूंगा। ये कैसी पहेली है माँ, कौन हो सकता है ये? जरूर अपना कोई करीबी होगा बेटे। अगर करीबी है तो फिर नजर क्यों नहीं आ रहा है? इतनी बड़ी मेहरबानी करने के बाद वो छिप क्यों रहा है? मेरी समझ में तो कुछ नहीं आ रहा। मेरी जमानत करवाने के लिए उसे कितनी भागदौड़ करनी पड़ी होगी, क्या कीमत, क्या कॉन्टैक्ट इस्तेमाल करने पड़े होंगे। मैं जानती हूं, मैं समझ सकती हूं, लेकिन मेरी खातिर ये सब करने वाला आखिर है कौन? आप फोन पर किससे बात कर रही थी? वही जिसकी वजह से महेन मल्होत्रा को मुझे 10 करोड़ का जुर्माना देना पड़ रहा है। कौन, किसकी बात कर रही हैं? वही शीला। शीला जिसकी वजह से महेन मुझे तलाक देना चाहता है। देखिए तलाक महेन जी आपको नहीं दे रहे हैं, आप महेन जी को तलाक दे रही हैं। अरे क्या फर्क पड़ता है वकील साहब, कौन किसको तलाक दे रहा है कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे तो सिर्फ 10 करोड़ से मतलब है। मैंने तो अभी से बजट बनाना भी शुरू कर दिया है। वैसे क्या कह रही थी शीला जी? कुछ नहीं, वो मेरे देवता स्वरूप पति के बारे में कुछ कहना चाह रही थी। वो चाहती है कि महेन मल्होत्रा का बोर्ड मेरे घर से उतरकर उसके घर पे लगने से पहले कुछ सलाह मशवरा कर ले। ये सब उस नोटिस का कमाल है। वकील साहब आपके उस नोटिस ने तो हलचल मचा दिया। देखिए वो लोग अब जितना भी कोशिश करें आप उनकी बातों मत आइएगा। मैं जानता हूं कि शीला देवी आपसे क्या बात करना चाहती है। वो लोग आपको घेर कर आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट के लिए राजी करने की कोशिश करेंगे। मैं जानती हूं उससे नुकसान मेरा ही होगा। कुछ 1 लाख का नुकसान होता तो ठीक था, लेकिन नुकसान करोड़ों में हो जाएगा। कोशिश करने दीजिए ना वकील साहब उन्हें। महेन को तो मैंने मुंह तोड़ जवाब दे दिया था उस दिन, और अब शीला को भी पता चल गया। मेरे ख्याल से अब वो समझ गए हैं कि मैं टस से मस नहीं होने वाली। लेकिन आपको अलर्ट रहने की जरूरत है, वो लोग लगातार कोशिश करते रहेंगे, और वो किसी भी कोशिश में कामयाब हो गए तो उनका फायदा करोड़ों का होगा, और मिस्टर महेन बदनामी से बच जाएंगे। मिस्टर महेन की पूरी छटपटाहट इस बात की है कि या तो वो पैसे दें या तो अपना इज्जत कमाएं। वो पूरी तरह से घबरा गए हैं। मैं देखना चाहती हूं महेन अब क्या करेगा, जल बिन मछली की तरह तड़पेगा
समुद्र का सारा पानी तो मैं पी जाऊंगी, 10 करोड़ जब मेरे पास आ जाएगा उसके पास कुछ नहीं बचेगा। निशी जी, इतना साफ है कि जीत हमारी है, लेकिन आपको लापरवाह होने की जरूरत नहीं है। इस मामले में कोई भी आपसे कुछ भी पूछे, आप साफ इनकार कर दीजिए, यहां तक कि आप अपनी बेटियों पर विश्वास मत कीजिए। यूं समझ लीजिए कि एक युद्ध है, और युद्ध नीति का कोई सुराग अगर उनके हाथ लग गया तो हमारा बहुत बड़ा घाटा हो सकता है। आप फिक्र मत कीजिए, मैं अपना घाटा होने नहीं दूंगी और ना आपका। करण, क्या हुआ? स्वेतलाना के हाथों में हथकड़े पहनाई गई थी कि तमाशा देखने वालों की भीड़ थी? स्वेतलाना गिरफ्तार नहीं हुई। क्या, गिरफ्तार नहीं हुई, फिर फरार हो गई? ये पुलिस भी फरार नहीं हुई है। वो जमानत के कागज किसी ने पेश कर दिया आखिरी मौके पर? जमानत, ऐसा कैसे हो सकता है? नहीं नहीं करो, मुझे लगता है तुमने गलत सुना है या फिर पुलिस वालों ने गलत कहा है, उसकी जमानत होना नामुमकिन है। यही बात तो मेरी समझ में नहीं आ रही, कौन है ये, किसने इस नामुमकिन काम को मुमकिन बना दिया? ऐसा कैसे हो सकता है? मुझे भी ऐसा ही झटका लगा, और मैंने आपसे कितनी बार कहा था कि जीत के आसार नजर आने पर ढोल नहीं बजाए जाते हैं, जीत के बाद ढोल बजाए जाते हैं, और आपने पहले ही सारे जश्न मना लिए। अब देखिए, मैं जानता था हम इतनी आसानी से वो हार नहीं मानेगी, जमीन आसमान एक कर देगी और कोशिश कर डालेगी छूटने की। लेकिन ये इसकी किस कोशिश का नतीजा? केशव मल्होत्रा आकर उसके काबू में आ सकते थे तो कोई भी आदमी उस पर आज मेहरबान होगा। ये मेहरबानी किसने की जरा पता तो लगा? जो भी है बहुत ऊंची पहुंच वाला है, मामूली आदमी के बस का काम ही नहीं है ये। मेरा दर्द जैसे वापस लौट कर आ गया है, जख्म भरे नहीं थे क्या और गहरे हो गए। ये स्वेतलाना हमेशा मुझसे चीत क्यों जाती है? Why do you do this all the time? स्वेतलाना को कमजोर मानना आपकी सबसे बड़ी गलती है। बड़े बड़ों को फंसाने के लिए उसकी उम्र, उसका अकेलापन, उसकी खूबसूरती बहुत है, और अपने मतलब के लिए लोगों को अच्छी तरह फंसाना जानती है। Don't you know that? मुझे लगता है तुम उसे हार मान चुका है। हाँ, हार मान ली तो दुश्मन से ज्यादा ताकतवर बनने के लिए उसकी सही ताकत का अंदाजा लगाना बहुत जरूरी होता है। क्या तू उसको बर्बाद करने का कोई और रास्ता ढूंढ रहा है? अब ये मेरी मजबूरी है, स्वेतलाना से हार मान ली तो अपनी नजरों में गिर जाऊंगी। ऐसा क्यों सोचते बेटा? तेरी वजह से तो वो परेशान थी, दर दर भटक रही थी, बुरा हाल था उसका। हाँ, बुरा हाल था उसका। क्या वो खौफनाक अंजाम हुआ जो मैं चाहता था? जमानत के कागज दे मारे मुंह पर उसने, लेकिन अब उस अंजाम तक पहुंचाना मेरी जिद है। हल गेटा आंटी, देखिए मैंने आपसे कहा था ना कि पुलिस वाले मम्मी को जरूर छोड़ देंगे, ये देखिए। स्वेतलाना बैनर्जी रिलीज्ड ऑन बेल। पुलिस वालों ने तुम्हारी मम्मी को छोड़ा नहीं है, उनकी जमानत हुई है। ये केस स्वेतलाना पर आगे और चलेगा, तब भी आप देखिएगा आंटी, मम्मी को कुछ नहीं होगा। सोनू, तुम क्या ढूंढ रहे हो? वो मेरे शूज, मैंने यही उतारे थे। उसे मैंने अंदर रख दिया। तुम कहां जा रहे हो? मम्मी से मिलने। तुम वहां नहीं जा सकते। आप मुझे हर बात पर रोकती क्यों रहती हैं? तुम्हारी भले के लिए। अब अगर मैं वहां चला गया तो इसमें हर्ज ही क्या है? और ये न्यूज पढ़कर लोगों के भी मुंह बंद हो गए हैं, वो मुझसे कुछ नहीं कहेंगे, फिर भी आप मुझे रोकती रहती हैं। उसकी कुछ तो वजह होगी ना। लेकिन क्यों? क्योंकि तुम्हारी मम्मी वहाँ टेंशन में है, वहाँ पर पुलिस वाले होंगे, और कम से कम ये मामला एक हफ्ते तक चलेगा। तुम वहाँ एक हफ्ते बाद जाओगे, समझे? लेकिन आप समझती नहीं आंटी, अगर मैं अभी वहाँ चला गया तो मम्मी को बहुत खुशी होगी। अपनी आंटी से ज्यादा समझदार होते जा रहे हो। लेकिन आप भी तो मुझे आजकल हर बात पर टोकती है ना, डांट देती है, और फिर मम्मी से मुझे बोर्डिंग स्कूल के बारे में कुछ पूछना है। बोर्डिंग स्कूल के बारे में तुम अपने पापा से पूछो। लेकिन अगर मैं अपनी मम्मी से पूछता हूँ तो इसमें क्या बुराई है? देखो सोनू, तुम बहुत ज्यादा बहस करने लगी, मुझसे ये बर्दाश्त नहीं हो रहा, और मेरे बात तुम कान खोलकर सुन लो, एक हफ्ते बाद ही तुम अपनी मम्मी से मिल सकोगे, समझे? ये रोने धोने से तुम्हारी कोई जिद पूरी नहीं होगी।
I said go inside. मेरे कहा ना अंदर जाओ. यार किसको कह रहे हो? देखो स्वेतलाना. सोनू बेटा क्या हुआ? सोनू तूने सोनू को डांटा? तेरी हिम्मत कैसे हुई सोनू को डांटने की? डिस्टर्ब तो नहीं किया? किस डिस्टर्बेंस की बात कर रही है? तुम्हारे आने की वजह से या इतने दिनों तक तुम्हारे ना आने की वजह से जो डिस्टर्बेंस है? इतना सब होने के बाद मैं कैसे आ सकती थी एकनाथ? तुम्हें पता नहीं क्या क्या आरोप लगाए गए हैं मुझ पर. मेरा तुम एक वकील हो, अपने जजमेंट से फैसला करो कि क्या वो आरोप सही थे. आरोप लगाने वाली मेरी अपनी बहन थी एकनाथ, फिर मैं कैसे जजमेंट दे सकती हूँ? और जब अपने ही आरोप लगाते हैं तो वो अपने आप में एक सजा हो जाती है. मेरा जज्बात में समझ को शामिल कर लेना बहुत जरूरी हो जाता है. रिश्तों को अंधविश्वास नहीं बनाना चाहिए. तुम रूबी से मेरा रिश्ता नहीं जानते एकनाथ, मैं सिर्फ उसकी बहन नहीं हूं. किस्मत ने मुझे बहुत पहले ही उसकी बहन के अलावा उसकी माँ, उसके बाप, उसके भाई का दर्जा दे दिया है. और उसकी आंखों में आंसू ना आए, यही यही मेरी जिंदगी का धर्म रहा है. और मेरी बदकिस्मती देखो एकनाथ, मैं ही उसकी उसकी आंखों में आंसू की वजह बन गई. आंसू तो तुम्हारी आंखों से भी बहन मेधा, और आंसू मेरी आंखों से भी बहन. लेकिन उसका दोषी हम लोग रूबी को तो नहीं ठहरा रहे ना, इसलिए क्योंकि हम तीनों में से किसी ने किसी को कोई भी दर्द नहीं दिया है. हालात कुछ इस तरह उलझ गए कि हर आदमी के हिस्से में थोड़ा थोड़ा दर्द आ गया बस. लेकिन इस दर्द का अंत वो तो नहीं होगा जो रूबी सोच रही है. क्या सोच रही? रूबी बैंगलोर जा रही है एकनाथ. ठीक कर रही है. ठीक कर रही है? वो मुझे छोड़कर बैंगलोर जा रही है और तुम कह रहे हो ठीक कर रही है? सोच समझ के बोला करो एकनाथ. मैं सोच समझ कर कह रहा हूं, इस मामले में मेरी रूबी से बातचीत हो चुकी है. उसका फोन आया था? नहीं, मैं खुद गया था तुम्हारे घर उससे मिलने के लिए. मेधा उस दिन जो कुछ भी हुआ उसके बाद मेरा रूबी से मिलना बहुत जरूरी था, क्योंकि मैं जानता था कि तुम तो अपने ऊपर लगाए गए आरोपों की सफाई में कुछ कहोगी नहीं. इसलिए मैंने अपने और तुम्हारे संबंध की सफाई रूबी को दे दी. अगर रूबी बैंगलोर चली गई ना एकनाथ, तो हमारे रिश्ते की हर गुंजाइश खत्म हो जाएगी. क्योंकि मैं नहीं चाहती कि यह एहसास मुझे जिंदगी भर सताता रहे कि तुम्हें करीब लाने के लिए मुझे रूबी को अपने आप से दूर करना पड़ा. और आज जब रूबी तुम्हारे करीब है तो भी तो गुनाह का एहसास तुम्हारे भीतर है. मेरा भले ही हमारा रिश्ता खत्म हो जाए, मगर रूबी का बैंगलोर जाना उसके खुद के लिए अच्छा होगा, और तुम्हें और रूबी को करीब लाने के लिए भी यह दूरी बहुत जरूरी है. घर की चार दीवारी रूबी की समझ पर पर्दा बनकर पड़ी रहेगी, इसलिए बेहतर है कि उसे बाहर जाने दो, बाहर की दुनिया देखने दो, समझने दो. कहीं कहीं ये दूरी इतनी ना बढ़ जाए एकनाथ कि मैं उसे उसे हमेशा के लिए खो दूं. मेरा मुझ पर भरोसा रखो और मुझे मामला सुलझाने दो. तुम्हारे जज्बात तुम पर इतने हावी हो रहे हैं कि वो तुम्हें हर बात का गलत नजरिया दे रहे हैं. मैं वादा करता हूं कि मैं अपने जज्बात पर तब तक काबू रखूंगा जब तक तुम्हारे और रूबी के बीच पहले वाली गहराई नहीं आ जाती. स्वेतलाना की जमानत तो कमाल ही हो गई ना? ऐसा क्या कमाल हो गया? क्यों, तुम्हें ताज्जुब नहीं हुआ ये सुनकर कि स्वेतलाना की जमानत हो गई? इसमें ताज्जुब की बात ही नहीं है. स्वेतलाना जैसे लोगों का जिनका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है, जिनका केस सेंसिटिव नहीं है जैसे कि कत्ल, इनके जमानत में ज्यादा मुश्किल नहीं होती है. कमाल है, पर
ऑफिस में तो ये सुनने को आया था कि स्वेतलाना को किसी भी सूरत में जेल जाना ही पड़ेगा। अच्छा, तुम्हारी ऑफिस में कानून के सारी सूरतों से वाकिफ कौन कौन है? क्यों, एडवोकेट खिलनानी ने तो जो बेल की एप्लीकेशन की थी उसे तो नामंजूर कर दिया था। एडवोकेट खिलनानी ये बड़ी उस्ताद चीज है, ये कानून कम और पैसे बनाने के तरीके ज्यादा जानते हैं। हो सकता है कि स्वेतलाना की बेल की नामंजूरी में उनको अपना फायदा ज्यादा दिख रहा हो। तुम्हारी रूबी या मेधा से कोई बात हुई थी? क्या तुम्हारी बात नहीं हुई? नहीं, मेरे घर तुम लोगों ने आना तक छोड़ दिया। हो सकता है कि उस दिन की घटना पर ज्यादा शर्मिंदा हो, कोई फोन तक नहीं आया। फिर मैंने सोचा कि चलो ठीक है, आपस का मसला वो लोग आपस में सुलझा लें तो ज्यादा अच्छा है। पर रूबी तो बैंगलोर जा रही है और वही नौकरी करेगी। क्या रूबी बैंगलोर जा रही है? तुमने मुझे बताया नहीं। वो सुनील, मैं तुमसे झूठ नहीं बोलना चाहती थी। इनफैक्ट मैं तुम्हें बताना चाहती थी पर उनकी बात करने की हिम्मत ही नहीं हुई। मैंने सोचा अगर तुम्हें सब कुछ याद आ गया तो तुम फिर से मुझसे नाराज हो जाओगे। रितु, एक बात कहूं मैं? वेरी फ्रैंकली, बहुत पागल हूं, वेरी मैड, रियली, सच में। इतने डरे समय क्यों रहती हो? याद तो मुझ पर, मेरे प्यार पर यकीन रखो प्लीज। कोशिश तो बहुत करती हूं पर न जाने क्या हो जाता है। इसका एक श्योर शॉट इलाज है। इलाज? क्या? एक एक्सरसाइज है जिसे करने से प्यार पे यकीन बढ़ जाता है, एक दूसरे पे हक हासिल हो जाता है, दूसरों का असर हमारे रिश्ते पे नहीं पड़ेगा। इसकी लाइफ लॉन्ग गारंटी। ऐसी कौन सी एक्सरसाइज है? कमाल की बात यह है कि ये एक्सरसाइज थोड़ी लंबी जरूर है पर जिंदगी में सिर्फ एक बार करनी पड़ती है और फिर सारी चीजें आसान हो जाती है। बिल्कुल, सिर्फ एक बार करनी पड़ती है। ऐसी कौन सी एक्सरसाइज है? सात फेरों की कसरत, यानी कि शादी। यार रितु, प्लीज प्लीज रितु, चलो यार हम लोग शादी कर ही देते हैं। प्लीज, मैं अपने कुंवारेपन से उठा गया हूँ। और आज सुबह जब मैं शीशे में अपना चेहरा देख रहा था, जब मैं बाल बना रहा था, तो मेरी कंघी ने मुझसे कहा, अबे यार अपना ये मांग तो भर ले। देखो तू, ये शादी कर ही डालते हैं, है ना? सारी मुश्किलें हमारी आसान हो जाएंगी। तो एक काम करते हैं, यहाँ बैठकर शादी की तारीख और प्रिंटर का नाम तय कर लेते हैं। भाई साहब, एक पेन और पेपर देना। प्रिंटर का नाम? ना, जो हमारे कार्ड छापेगा। क्यों सुनील, क्या आप कुछ दिनों के लिए रुक सकते हो? क्यों भाई, अब किसके लिए रुकना है? मम्मी पापा का डिवोर्स हो जाने दो, क्योंकि अभी उनसे बात करना बहुत अजीब लगेगा। यस यस, अभी कुछ दिन रुक ही जाना चाहिए, नहीं तो हमारी शादी में भी टेंशन हो जाएगा। वैसे अगर तुम नहीं रुक सकते, आई मीन इफ यू कांट स्टे विदाउट मी, तो फिर ठीक है, शादी कर ही लेते हैं। एक्चुअली आई कांट स्टे विदाउट यू, लेकिन क्या है कि वो कंघी के ताने मुझे रोज सुनने पड़ेंगे, मुश्किल उसकी है। सच में कह रहा हूँ। भाई साहब, आप पेन और पेपर दो दीजिए, मेरी शादी हो रही है। It's not serious about it. I'm serious about it. Aren't you serious about it?